सीए एनआरसी का विरोध अब देशव्यापी हो गया है और खास करके इस बिहार में भी इसने बहुत जबरदस्त ढंग से विरोध प्रदर्शन का एक मार्ग तय कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोधी दल हैं वो लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और आम जनता स्वतः स्फूर्त कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है। ऐसा ही एक मानव चेन जिसको कि मानव जंजीर के रूप में कहा जा रहा है, इमारत सरिया फुलवारी शरीफ के तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी दो दिन पहले कि 25 तारीख को वो मानव चेन यानी कि मानव जंजीर के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए समय चुना गया था गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। आपको बता दें कि कल यानी कि 25 जनवरी को मानव श्रृंखला यानी कि मानव जंजीर का निर्माण कर ये संदेश दिया जाएगा कि सीएए के विरोध में एक खास वर्ग है, इसको समर्थन सभी विपक्षियों ने दिया था। आपको याद होगा कि दो दिन पहले विपक्ष के लगभग सभी दल इमारत सरिया फुलवारी शरीफ की बैठक में शामिल हुए थे और मौलाना वली रहमानी ने उसी समय घोषणा की थी जिनकी अगुवाई में ये मानव जंजीर बनाई जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए आज AIMIM के स्टार प्रचारक मोहम्मद सोनू ने सीधे तौर पे कहा कि आज इसकी रिहर्सल भी की गई। रिहर्सल में मौलाना सिबली और खुद मोहम्मद सोनू शामिल हुए। इसके साथ ही सैकड़ों लोग आज के मानव श्रृंखला में शामिल होकर के रिहर्सल को अंजाम दिए और कल इस मानव श्रृंखला के माध्यम से एक संदेश सीए और एनआरसी के साथ साथ एनपीआर को लेकर के दिया जाएगा। हालांकि अब यह मामला धीरे धीरे और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है और विरोध का स्वर और मुखर होता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि कल के मानव श्रृंखला में कौन कौन से दलों का समर्थन मिलता है। हालांकि बैठक में सभी विरोधी दल लगभग शामिल थे। देखिए क्या कुछ कहा आज के रिहर्सल में, जो कि मानव चेन बनाने के लिए एक रिहर्सल किया गया था, उसके बाद जो लोग शामिल हुए थे सुनिए क्या कह रहे हैं। या पट्टी वगैरह अपने सर पर रखेंगे और इसी तरीके से खड़े होंगे, उसका एक नमूना वो पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये सीए एनआरसी एनपीआर ये काला कानून है, जब तक ये कानून वापस नहीं होता है उस वक्त तक मुसलमान का इंतजार करते हैं। मुसलमान क्या तमाम ये जो मानव श्रृंखला है इंसानी जंजीर जी, ये मुल्क में जो काला कानून लाया गया है इसके विरुद्ध में है, इसके खिलाफ है। तैयारी ये है, तैयारी आज से नहीं महीनों से हर तरह की कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार हैं, धरना पर बैठे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसी का एक हिस्सा इंसानी जंजीर भी मानव श्रृंखला भी है। तैयार सब लोग हो चुके हैं और कल के वक्त का इंतज़ार है। कल 1:30 बजे से लेकर के लोग के बाद लोग सड़कों पर निकलना शुरू होंगे, 2 बजे से जंजीर बनाना शुरू करेंगे और 2 से 2:30 बजे तक जंजीर बनेगी, 2:30 बजे जंजीर ख़त्म हो जाएगी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019 शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।